कर्मा फिल्म है बहुत बेकार। सुभाष घई द्वारा बनाई गई फिल्म कर्मा भले ही उनकी सफल फिल्मों में से एक गिनी जाती है, लेकिन नसरुद्दीन शाह जी की यादों में यह फिल्म बुरे एहसास की तरह दर्ज है, जिसका जिक्र आज भी उन्हें गुस्सा ही दिलाता है। 40 साल लंबे करियर में नसीर जी की हमेशा तारीफ ही हुई है, पर उनकी अपनी नजर में किस भूमिका को करने का उन्हें आज भी अफसोस है। यह सवाल पूरा होने से पहले ही उनका जवाब आ जाता है। कर्मा सबसे पहला नाम है। उनका कहना है कि मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ यह फिल्म की थी। दिलीप कुमार साहब जी के साथ काम करने का मेरा सपना पूरा होने वाला था। बहुत उम्मीदों के साथ उस फिल्म में शामिल मैं हुआ था, लेकिन मेरा दिल टूट टूट कर टुकड़े हो गया। नसरुद्दीन जी इस एहसास की वजह पूछने पर कहते हैं कि वो बहुत ही बुरी फिल्म है, दिलीप कुमार जी का काम भी उसमें अच्छा नहीं है और मेरे काम पर तो लालत है। नसीर जी कहते हैं कि मैंने सुभाष घई जी के मुंह पर उनसे ये कहा कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हें कमर्शियल एक्टिंग की समझ ही नहीं है। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मुझे नहीं है तो आपको समझाना चाहिए था ना, आपने तो मुझसे वही करवाया जो मैं 50 दफे पहले कर चुका हूँ। लोगों को भले ही वो फिल्म याद रहे और काफ़ी अच्छी भी लगती हो और नसीर जी का किरदार भी अच्छा लगता हो, लेकिन खुद नसीर जी को उस फिल्म से और अपने किरदार से बेहद ज़्यादा शिकायत है। बहरहाल दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।